सलवार सूट। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है ईद स्पेशल, तो उसके लिए आज हम बनाएंगे बिरयानी। एंड बिरयानी बनाने से पहले थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, थोड़ा सज वज के बिरयानी बनाएंगे। मैं नहीं बना रही बिरयानी वैसे, मेरी मम्मी बनाएगी। तो एक काम करते हैं, हम मेकअप करने से पहले ये फेशियल बैंड यूज़ कर लेते हैं। Am I looking good? No. तो मेकअप के नाम पे हम लगाएंगे आई लाइनर। हाँ, और आज मुझे मेकअप कुछ करने का तो मन है नहीं है, ऐसे ही रहेंगे सिंपल। आई लाइनर लगा लेती हूँ थोड़ा। अब मैं देखूँ कैसे, आंखें बंद कर लूँगी अपनी तो लगाऊंगी कैसे। आज का भी आई लाइनर आई होप ठीक से बन तो जाए। बन गई क्या? देखो, ओ वाह, ओके ओके। तो इस में भी फिनिश कर लेती हूँ मैं। अब लगाते हैं थोड़ा सा लिप ग्लॉस, एज यूजुअल लिप ग्लॉस पर्सन। तो मेरा लिप ग्लॉस भी हो चुका है। हाउ एम आई लुकिंग? No, I'm looking dumb. मैं पहनने वाली हूँ आज सलवार सूट, तो चूज करते हैं। तो मुझे यहाँ मिल गई है समथिंग वेरी स्पेशल, ये। तो ये रहा बहुत ही एक खूबसूरत सा सलवार सूट, और ये रही इसकी पैंट्स जो कि नीचे से ऐसे है। ये सिंपल सा दुपट्टा है, तो पहनने के बाद आप सबको दिखाती हूँ। तो मैं अपना सलवार सूट पहन के अब रेडी हो चुकी हूँ। आप सब मुझे बताइएगा कि मेरा सलवार सूट आप सबको कैसा लगा। बट एक चीज़ तो है, इसका सलवार इतना लंबा है कि मैं लिटरली चलते वक्त गिर रही हूँ। आई डोंट नो मैं इसको कैसे हैंडल कर पाऊंगी, लेट्स सी। मेरे को लगता है अब हमें जाना चाहिए मम्मी को बिरयानी बनाने में हेल्प करने के लिए, तो चलो बनाते हैं बिरयानी। तो मैं जैसा कि बता रही थी, मेरा पैंट कुछ ज्यादा ही लंबा है, आई मीन इतना लंबा है, क्या आप देख रहे हो। अब इसको मैं पहन के चलूं कैसे, मतलब ये किस इंसान के लिए बना है ये, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो हमारा बिरयानी बनाने का प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका कर रहे हैं। और सबसे पहले क्या डालेंगे? चावल डालना पड़ेगा, चावल। कौन सा चावल है ये? इंडिया गेट बासमती। ये क्या? दालचीनी, लौंग, इलायची, इसमें डाल के एक बार भिजा के रखना पड़ेगा। है? है? भिजाना पड़ेगा। मैं क्या कर रही हूँ उसको? अभी चावल धो रहा हूँ। इनका हिंदी भी मेरे जैसा है, बहुत खराब है इनका हिंदी भी। धो रहा हूँ। इनका हिंदी मेरे से ज्यादा खराब है। थैंक यू। तो और तारीफ कीजिए ना। आज तुम ऐसे बहुत खूबसूरत हो। मुझे क्या करना चाहिए? तो अभी प्याज काटना पड़ेगा। प्याज काटो, दो तीन प्याज काटने से हो जाएगा। प्याज, चलिए काटते हैं हम प्याज। प्याज काटते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं प्याज को कट, क्योंकि मम्मी ने ऑर्डर दिया है कि उनको कितना प्याज चाहिए। আমি কাজ করছিলাম তখন, তখন তো আমি কিছু খেয়াল করিনি। এখন চল তোমাদের একটা জিনিস দেখাচ্ছি। এই দেখো কি করছি, এই দেখো, সেই তো সেই নিচে কিছু নেই। तुम बांग्ला में बोलने से भी होगा। ठीक है करो, फ्राई करो। जीरा, धनिया, गोलमरीच, तारपरे शुकना लंका, तारपरे जयत्री, इलायची सब। हाँ, यहाँ से गैस से उतरने के बाद ये सीधा डाल रही है ग्राइंडर में। डालिए डालिए।
तो यहाँ वो करने जा रही है ग्राइंड। हाँ आई थिंक हो चुका है हमारा ग्राइंड। हाँ तो ऐसा फाइन ग्राइंडिंग करके आप इसको साइड में रख ले। क्या करने जा रही हो? कांचा लंका कोई रसुन ओके ओके चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट और अच्छा प्याज भी देंगे। तो इसको भी इन्होंने ग्राइंड कर लिया है। मतलब इसको पूरा आपको ना अच्छे से ग्राइंड नहीं करना है, ऐसे दरदरा ही रखना है। पापा सिद्ध दे बसाबो एक बसा। अब डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, एक टुकानी नून दीते हबे। इतना सॉल्ट डालेंगे वो इसमें तो वो कह रही है कि इस घी को ऐड कर रही है जस्ट ताकि उसमें थोड़ा फ्रेग्रेंस आ जाए। एक कप मतलब ओके, वन कप वाटर भी दे देंगी वो। डालिए बस। तो अब इन्होंने प्रेशर कुकर का ढक्कन भी लगा दिया है। इसको कितने मिनट तक रखना है? 15 मिनट। ओके 15 to 20 मिनट रखना है इसको गैस पे। बिरयानी का जो चावल इन्होंने भीगने के लिए रखा था उसको वो अब गैस पे बिठा देंगी। और ये चावल को कितने देर पकाना है? इसको भी 15 मिनट पकाना है और इसको भी 15 टू 20 मिनट ही पकाना है। तब तक कि हमारा चावल और मटन कुक हो रहा है, हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। देखें कितना खिला खिला हुआ है हमारा चावल। आप नमक डालेंगे क्या? ठीक है फिर नमक डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून बस 1 टेबल स्पून डाला है इन्होंने। ओके घी भी डाल देंगी इसी में। इसको आप वो निकाल देंगी। तो इधर जा रहा है चावल हमारा क्या करने के लिए वो तो नहीं पता बट हाँ इसको जो भी कहते वो कर रही है वो। हमारा मटन भी हो चुका है रेडी, तो इसको बंद कर देंगी वो। अब हमारा मटन बन के तैयार है, खोलिए देखो सारा। हाँ तो ये हो गया हमारा बॉइल्ड मटन। तो ये बॉइल्ड मटन चाहिए होगा हमारे बिरयानी के लिए। ठीक है तो ये एक बोल में इसको शिफ्ट कर देंगी। अब ये फ्राई कर रही है अंडे को और आलू को। थोड़ा थोड़ा फ्राई करने के बाद इन्होंने निकाल दिया है अंडे को। आलू को थोड़ा और देर पकने के लिए देंगे। अब कर रही है वो आलू को भी निकाल रही है। तो क्या हुआ कि हमारा मटन भी रेडी है और ये अब आलू को भी निकाल रही है और अंडा हमारा रेडी है। फिर से वो ऐड कर रही है इसी कढ़ाई में तेल। तो अब वो डाल रही है इसमें प्याज। तो इस प्याज को अच्छे से भुना जा रहा है। तो इन्होंने अब ऐड कर दिया है ये जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट था उसको ऐड कर दिया। तो अब ये डाल रही है हल्दी, रेड चिली पाउडर डालिए। एक्सक्यूज मी, अब ये कौन सा मसाला है? ओ हाँ हाँ डाल दीजिए। अब इस मसाले को अच्छे से पकाने के लिए वो नमक डाल रही है। तो अब ये नेक्स्ट डालने जा रही है ये मटन। हाँ डाल दीजिए, डालो। हाँ फिर अब क्या डालेंगे आप? आलू डाल दो फिर। तो ये आलू भी जा चुका है। मैं वेट नहीं कर सकती सीरियसली, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है अभी यहाँ पे, इतना अच्छा स्मेल भर चुका है पूरे किचन में। मटन का स्टॉक था वो उन्होंने डाल दिया। अब ये ऐड कर रही है एग्स। अब ये गैस को भी कर रही है ऑफ। इन्होंने अब गैस को कर दिया है ऑन। तो पहले वो डालेंगी 1 टेबल स्पून घी। अब वो ब्रश से बहुत अच्छे से फैला देंगी इस घी को। तो अब वो ऐड कर देंगी इसमें राइस। तो अब वो डालेंगी इधर मटन, राइस का लेयर मटन के ऊपर। फिर से वो लगा रही है एक मटन का लेयर और राइस का एक और लेयर लगाने वाली है। अच्छा ठीक है डालिए, मुझे भी देखना है इसको यूज कैसे करेंगे वो। 3-4 फुटा ओके ओके, उन्होंने सिर्फ 3-4 ड्रॉप डाला। और अब वो नेक्स्ट डालेंगी ये क्या है? बिरयानी। अच्छा बिरयानी का अत्तर है, मतलब इससे सेंट आने वाला है। डालिए देखूं क्या चीज है ये। ओके ओके ये भी लिक्विड है। अच्छा डाल दीजिए इसको भी। सेंट वाला
एक्चुअल फ्रेग्रेंस। इन्होंने वो भी ज्यादा नहीं डाला है, थोड़ा बहुत ही डालना है। अच्छा, इन्होंने एक घी का लेयर लगा दिया। जो बिरयानी में कलर आता है ना, तो वो कलर ऐसे तो नहीं आ जाता होगा ना, तो उसके लिए वो यूज करते हैं ये फूड कलर विथ मिल्क। तो वो आज मम्मी आज यही बना रही है। तो ये उन्होंने एक मिक्स तैयार कर लिया है, अब वो ला रही है ये कलर। ओके ओके, डालिए डालिए, ढक्कन भी लग जाएगा इसके ऊपर। चलिए वेट करते हैं इसका कुक होने का। तो एज अ साइड डिश हम थोड़ा सा सैलेड कट कर लेते हैं। तो पहले हम लेंगे इधर ऑनियन, जिसको हम राउंड एंड राउंड शेप में कट कर लेते हैं। तो आज हम लोग खाएंगे बिरयानी के साथ। तो इधर आ गए हैं सेकंड पर्सन, बिकॉज फर्स्ट पर्सन का हाथ कट गया। ए फोकस मार, ए फोकस। तो बिरयानी हो चुका है रेडी, अब ये कर देंगे गैस को ऑफ। हाँ, ये देखिए हमारा बिरयानी कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसको कर देंगे अब वो सर्व। अजीब तरीका है ये सर्व करने का आपका, तो लग रही है ना ये बिरयानी बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब। अब लगने जा रहा है मेरे प्लेट में बिरयानी, डालिए। वाओ, तो अब है टेस्टिंग की बारी, खाके बताते हैं कैसा है। देखिए ये बिरयानी का कलर, ऐसा खूबसूरत बिरयानी है तो रेस्टोरेंट का बिरयानी में फेल हो जाएगा, इतना ही बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। आप सभी बनाइएगा और खूब खाइएगा, और आप सभी को एक और बार ईद मुबारक। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।